एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। प्रेरणा ऐप के विरोध में परौली अहिर पीआरसी प्रशिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संगठनों ने प्रेरणा ऐप के विरोध में पीआरसी सहित अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार की ओर से 5 सितंबर से प्रेरणा ऐप की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस पर शिक्षकों को स्कूल समय में 3 बार सेल्फी लेकर अपलोड करनी होगी। विद्यालयों में शिक्षकों के समय से और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। आगरा के समस्त शिक्षक संघ का इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर महिला शिक्षक इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी निजता भंग होती है। उधर शिक्षकों का कहना है कि सरकार को पहले विद्यालयों में छात्रों को उचित व्यवस्था जैसे शौचालय, पानी, बिजली, टेबल, कुर्सी आदि की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अन्य व्यवस्था लागू करें। मौके पर पहुंचे सीओ सदर विकास जायसवाल को शिक्षकों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम कृष्णा नोवार है, मैं प्राथमिक विद्यालय करमना में एचएम के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे ऐप को लेकर ये ब्रदर कि हम लोगों को, हम टीचर से इतने सारे काम दे रखे हैं सरकार ने कि हम उन्हीं को नहीं समझ कर पा रहे, और ऐप की 3 बार हरी ली जा रही है। जब हम घर से निकलते हैं तो मिड डे मील का सामान लेते हैं। हमें भी ये लोग भी अपने मन में एक क्यों बना के चलना है कि हमें घर घर जाके वो भी काम करना है। रास्ते में बैलगाड़ी भी मिल जाती है, ट्रैक्टर भी मिल जाते हैं, ट्रॉली भी मिल जाती है, हमारी गाड़ी का पंचर भी हो सकता है, उस वक्त हम 8 बजे कैसे हाजिर दे सकते हैं। हाँ, और अगर हमारी कोई चीज़ वहाँ से जाती है तो हमारी जो सुरक्षा नहीं है उसमें, हमारे सम्मान का आनंद होता है, हमारी निजता भंग होने का पूर्ण आसार है इसमें। सरकार हमें ये आवाज लाई कि हमें अन्य कार्यों से हटाए, और ये प्रेरणा, क्या हम चोर हैं? सरकार ये समझती है कि हम चोर हैं, शिक्षक चोर है, जबकि शिक्षक इतनी मेहनत करता है कि अन्य कोई कर्मचारी इतनी मेहनत कर नहीं सकता। एक महिला जो घर को देखती है, विद्यालय को देखती है, मिड डे मील को देखती है, घर की समस्या को देखती है, घर वो खाना बना के जाती है, फिर स्कूल में खाना जाके बनवाती है। सरकार ये कहती है कि बच्चों के लिए ताज़ा भोजन दो, जब ऐप लागू हो जाएगा तो बच्चों को ताज़ा भोजन नहीं दे पाएगी, एक अच्छी सब्जी नहीं खरीद पाएगी, अच्छे फल नहीं दे पाएगी। इस कारण प्रेरणा ऐप को हटा देना चाहिए। जैसे शिक्षक कार्य करा स्वतंत्र रूप से, ऐसा उन्हें करना चाहिए। जब शिक्षक दिमाग से स्वतंत्र नहीं होगा तो स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएगा। हमारा मेरा नाम सरिता करदम है। ये ऐप को लेके विरोध हो रहा है, तो महिलाएं खासकर विरोध कर रही हैं, क्या है? नहीं, ऐप्स को लेके विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है टीचर की समस्याओं का। टीचर्स की इतनी ड्यूटियां लगा रखी हैं, कहीं बीएलओ करवा रहे हैं, कभी जो है एमडीएम के लिए परेशान कर रहे हैं, ग्रेटर लर्निंग के लिए परेशान कर रहे हैं। एक अकेला टीचर क्या कर सकता है? महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वो अपने घर से निकलती हैं, उस समय सारा काम करके निकलती हैं, जल्दी जल्दी जाना होता है, और जब प्रेरणा ऐप्स लागू हो जाएगा तो उनको बिल्कुल टाइम से वहाँ पहुँचना है, एक्सीडेंट होंगे। और कुछ टीचर ऐसी हैं जो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर जा रही हैं, उनका क्या होगा? चलिए हम तो क्लियर हैं, हम यहाँ पास में हैं, हमारा घर पास में है, वो टीचर क्या करें जो बहुत दूर हैं, उनका क्या होगा? तो कई समस्याएं हैं, ये समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। पहले स्कूल में व्यवस्थाएं लाएं, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर लाएं, तो समझ में आता है कि हाँ, सरकार हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रही है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ टीचर को ही परेशान किया जा रहा है, और कुछ ज़्यादा ही परेशान किया जा रहा है। दिगंबर सिंह सर, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप पीआरसी का धक्का दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि हमारा जो शासन के द्वारा एक ऐप डाउनलोड करना है उसके विरोध में है, क्योंकि हम शिक्षकों के ऊपर इतना भरोसा नहीं है, जो समाज का निर्माता है, कि हमारी देख रेख करने के लिए हमारे ऊपर एक ऐप लागू कर दिया जाए, तो इसका मतलब हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो इसका तो लॉन्च कर दिया है, उसके विरोध में ही हम लोग सभी कर रहे हैं कि आपको ये ऐप नहीं करना चाहिए। ऐप अगर लॉन्च करना है तो सबसे पहले हमको टैबलेट दें, हम अपने मोबाइल से अपने पैसे से इस काम को कैसे कर सकते हैं? आगरा से सुनील अरोड़ा की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।